हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो सत्या, बात कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक से। कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है ट्रेनिंग कॉलेज के पर्पज से। बात हो रही है। हेलो, मोहम्मद सबरेजी से बात हो रही है? जी सर, ये कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है ट्रेनिंग कॉलेज के पर्पज के लिए। क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कॉल किया है, कार्ड नंबर 2840, उसका पेमेंट बाकी है सर आपका। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट बाकी है सर आपका, पेमेंट नहीं किया सर। आगे बताओ, वो तो बताया, कुछ और बताओ। क्या बोल रहे हो सर? अरे कुछ और बताओ भाई साहब, बताया है क्योंकि ये बात बता बता के तुमने ये समझ लो लूज मोशन करवा दिए। और क्या चाहिए आपको, और कौन सा जानकारी चाहिए? और मुझे तुम चाहिए, मेरी आंखों के सामने आ जाओ। क्या बोल रहे? अगर मुझे तुम चाहिए, मेरी आंखों के सामने आ जाओ। सॉरी, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो सर? जोर से बात कर रहे हैं सर। जोर जोर से मुझे तुम चाहिए अपनी आंखों के सामने, तुम चाहिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मजाक के लिए नहीं कॉल किया है, पेमेंट करो सर। मजाक को, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी नहीं, तुम मेरी हो कौन, तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरी साली हो, कौन हो मजाक के लिए? अच्छा, मजा लेना है ना सर, बाहर जाके मजा ले लो, ये बैंक से कॉल। नहीं नहीं, एक काम करो, किसी मैडम से बात करा दो, उनसे भी मजे ले लेंगे। क्या कैसे बात करें सर, मैडम से बात क्या करनी है आपको, मेरे से बात करिए जो। अरे तो क्यों कह रहे हो फिर, बाहर जाके मजे लो, तुम मेरी मजाक के लिए वाइफ और साली हो, कौन हो, तुमसे मजे लूंगा सर? पेमेंट करिए सर, पेमेंट की बात करो सर, पेमेंट की बात। पेमेंट की बात कर दूंगा, पेमेंट की बात करो। देखो पता है, अभी मैंने 6000 रुपए दिए थे रशियन के लिए। कभी भर रहे अभी भैया? देखो जी, ये तुम्हारा 2 दिन पहले रशियन खरीदी थी ना, जीपी रोड जाके तो दिए थे 6000। क्या? अरे रशियन खरीदी थी तो दिए थे 6000 रुपए यार। पेमेंट करो सर, पेमेंट करो, बाकी की बात छोड़ो, पेमेंट करो सर। पेमेंट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करना? देखिए मेरे जो है ना, मेरे जो है ना, दोनों पैरों के बीच एक छिद्दा है, उसमें कीड़ा है, पेमेंट ना करने का। हेलो, हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ, मेरे जो है ना, दोनों पैरों के बीच में ना, पीछे की तरफ एक छिद्दा, उसमें कीड़ा घुसा हुआ, पेमेंट ना करने का, वो निकल नहीं रहा है। अच्छे से बात करो सर, अच्छे से। अरे यार, अच्छे से बात कराओ, अच्छा की तरह। तो बोलो पेमेंट कब कर रहे थे? मैं कह रहा हूँ आप अच्छे से तो बात करो, अच्छा की तरह, आपको तो कोई हो जाएगी। क्या? मैं कह रहा हूँ अच्छे से बात करा दो, अच्छा की तरह। कैसे बात कर रहे सर, आपको तो समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बात कर रहे हो। अरे अच्छे से बात करो, तुम्हें तो कह रहे हो अच्छे से बात करो, कराओ अच्छे से बात। तो पेमेंट, हाँ तो मैं भी अच्छे से ही बात कर रहा हूँ ना सर, पेमेंट करवा दो। अच्छा मैं ही हूँ? अच्छा, पेमेंट मैंने अभी तो बताया। मेरे जो है ना, मेरी दो टांग है ना, पीछे का हिस्सा जो है मेरा ऊपर की तरफ, वहां पे ना दो टांगों के बीच में छिद्दा, उसमें कीड़ा घुसा हुआ है, जो पेमेंट ना करने का कीड़ा, वो निकल नहीं रहा है, तो पेमेंट नहीं करूंगा मैं। आप क्या बोल रहे हैं ना, वो आपको समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूँ तो यार मुझे ही समझ में आएगा। अरे कितना टाइम लगेगा भाई, विल टेक टाइम। यस सबरी जी, क्या बोल रहे हो? विवेक बात कर रहा हूँ, सबरी जी। अरे यार विवेक, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, आप अपना बताओ। विवेक पहले तो ये बताओ कौन हो तुम? मैं इनका सीनियर कलीग बात कर रहा हूँ, बोलिए। और वो कहाँ गया, वो बंदा उससे बात हो रही थी? वो भी है। अरे विवेक यार तुम आए नहीं, मेरी वाइफ बुला रही थी तुम्हें खाने पर डिनर पर, तुम आए नहीं रात को। पेमेंट का बताइए ना सर, पेमेंट करवा दीजिए। पेमेंट का डिनर पे आ जाओ यार, फिर बता दूंगा, डिनर विनर तो कर ले एक बार हमारे साथ, बात बुला रही थी तुम्हें, कही थी विवेक को ले आना।
पेमेंट का की बताइए ना सर, आप पेमेंट का विवेक विवेक मेरे जो है ना, मुझे मुझ में कीड़ा घुसा पड़ा है पेमेंट ना करने का, वो कीड़ा मुझे पेमेंट करने नहीं दे रहा। कीड़ा पड़ा हुआ है, कीड़ा घुसा हुआ है मेरे अंदर एक पेमेंट ना करने का, वो मुझे पेमेंट नहीं करने दे रहा। क्यों सर? उस कीड़े से पूछो ना सर, बात करवाइए। एक मिनट रुको, उस कीड़े से बात करा दो। कीड़े महाराजा बात कर ले भाई से, विवेक भाई है। हेलो हेलो, हाँ विवेक, विवेक हेलो विवेक, मैं कीड़ा हूँ उसके पीछे घुसा हुआ, मैं पेमेंट नहीं करने का कीड़ा हूँ, उसको पेमेंट नहीं करने दे रहे, पेमेंट अभी नहीं करेगा, पेमेंट देगा ये। हेलो, हाँ तबरेज जी बोलिए। क्या बोलूँ बताइए, आप जो बोलेंगे वो बोलूँ। आप शायरी सुनेंगे? पेमेंट का बताइए ना, शायरी वगैरह सुनेंगे आपको सर? पेमेंट का बता दीजिए ना सर। पेमेंट का नहीं बताऊँगा, शायरी वगैरह सुनेंगे। अच्छा बोलो, चलो वही बोल दो। क्या कह रहे हो? बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो बोलो। ठीक है, शायरी सुना दे। शायरी का वो खोल लो जरा अपना। बोलो। हाँ आजकल जो है ना, मैंने शायरी लिख रखी है कुछ। आ जा सुनिए वाली, हाय सुनिएगा ठीक है। हाय तेरी ये आंखें जो समंदर से भी गहरी हैं, हाय तेरी ये जुल्फें जिन्हें छूने के लिए हवा भी ठहरी है, तेरी ये अदाएं रोज मारती हैं मुझे, तू मेरा कातिल है, ये कैसे कहूँ तुझे, कैसी लगी यार? अब बोलने का, अरे पेमेंट की बात नहीं करनी यार, पेमेंट की बात करनी होती सर। यहाँ बैठ के इतना पेमेंट का पूछ रहा हूँ तो आप शायरी सुना रहे हो, कभी बोलते हो कीड़ा है अंदर, क्या है ये कौन सी लैंग्वेज? अरे अच्छा विवेक, अरे विवेक तुम बोल रहे हो क्या? हाँ तो मैं ही बात कर रहा हूँ। अरे यार मैं यार पहचाना नहीं विवेक, विवेक यार मेरे पीछे जो है ना कीड़ा घुसा पड़ा है, वो निकल नहीं रहा, वो कह रहा है पेमेंट नहीं कर सकूंगा। कीड़े से बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर सकते हो? कीड़े से बात कर रहे थे, रुक जाओ। क्या कीड़े से बात करूं मैं? रुको मैं कीड़े से बात कर रहा हूं। तो बात कर रहे हो? रुको कीड़े से बात करो ना, कीड़े से बात कर रहा हूं। हे ले विवेक का कॉल ले। हेलो विवेक, बोलो ना सर, क्या हुआ पेमेंट का बताओ। विवेक मैं एक कीड़ा हूँ जो उसके पीछे घुसा हुआ हूँ, तो मैं इसको पेमेंट नहीं करने दूंगा, ये पेमेंट करेगा कुछ 1.5-2 साल बाद, ठीक है विवेक? तो कभी करवाओगे पेमेंट? 1.5-2 साल बाद। तो देख 1.5-2 साल बाद। क्यों इतना लेट? क्योंकि मैं इसके पीछे घुसा हुआ हूँ ना, मैं इसको पेमेंट करने नहीं दूंगा। क्या कुछ भी, किधर भी घुसे हो, क्या कुछ भी बोल रहे हो, पेमेंट का बात करो ना इधर पे। पेमेंट नहीं होगा, चालू है क्या सर? पेमेंट नहीं होगा, नहीं कभी। ये कुणाल कुमार का शो चल रहा है यहाँ पे, कुणाल कुमार का शो। उल्टा सीधा बात कर रहे हो। नहीं कुणाल कुमार का शो चल रहा है, कपिल शर्मा का शो होता है, उसके बाद जो फेमस है ना इंडिया में टॉप 2 पे, वो कुणाल कुमार का शो है, बहुत फेमस है। पेमेंट का क्या है ये बताओ? पेमेंट यूज कर लिया, उसका पेमेंट के लिए नहीं बोल रहे हो, डायरेक्टली बोलते हो 2-3 साल के बाद। ये क्या टाइम पास थोड़ी के लिए कॉल किया सर मैंने आपको? पेमेंट अभी तो बताया यार, मेरे पीछे कीड़ा घुसा हुआ है, वो पेमेंट कर दीजिए। मैं क्या बात कर रहा हूँ, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर बोलो। रॉन्ग नंबर क्यों होता? रॉन्ग नंबर नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, उल्टा सीधा बात कर रहे हो खाली, हमारा भी टाइम पास आप करवा रहे हो सर। हम इधर काम के लिए बैठे हैं सर, टाइम पास के लिए नहीं बैठे हैं सर, ठीक है? ठीक है, टाइम पास तुम कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, कॉल काट दो यार तुम। ओके ले भाई। तबरेज जी पेमेंट का बताओ सर।
तबरीज जी मना कर रहे हैं पेमेंट करने को, तुम सर पे चढ़े जा रहे हो। कॉल काट दो, नहीं दूंगा पेमेंट यार, बता दीजिए कितनी बार होगा मुझे। क्यों नहीं दोगे ये बताओ ना, वजह बता दो, मैं रीजन बता दो, मैं नहीं फोन करूंगा। ये इंटेंशनली पेमेंट नहीं करना यार। सर मजाक से हटके सर मैं सही पूछ रहा हूँ, क्यों पेमेंट नहीं करना है? इंटेंशनली नहीं करना यार, इंटेंशनली नहीं करना। क्यों इंटेंशनली नहीं करना है आपको? डिफॉल्ट करने में ज्यादा मजा आता है ना। क्या हुआ, कहाँ चले गए? चलो ठीक है, रखो सर, क्या टाइम पास करूंगा मैं आपसे, अच्छा दूसरे कस्टमर से बात कर लेता हूँ। अरे नहीं, टाइम पास, ये टाइम पास थोड़ी है, तुम्हारी जॉब है। जॉब है, हम भी यहाँ पर है ना सर, तस्वीर दिखाना पड़ता है, करना पड़ता है, नहीं तो फिर शाम को जाने के टाइम बोलेंगे कि तूने क्या किया दिन भर, ये होता है हमारे साथ। आप तो खाली टाइम पास करके रख दोगे फोन सर, हमें यहाँ पर जवाब देना पड़ता है 10 लोगों को। ठीक है, 10 लोगों को जवाब देने की, कस्टमर डिफॉल्ट है। चलो ठीक है सर, ओके ओके, ठीक है सर, रख दो फोन वहाँ से। मैं तो कह रहा हूँ रख दो, आप कट कर दो ना सर सामने से। नहीं ये नहीं होगा, कट तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो मैं कट कर दूँ? हाँ तुम कट कर दो यार। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून, यस बोलिए। आप राजकुमार बात कर रहे हैं ना सर? सपनों का राजकुमार के मन में सर, आपका नाम राजकुमार है ना? बोल तो रहा हूँ, सुंदर के सपनों का राजकुमार बोल रहा हूँ सर। आप थोड़ा ढंग से बात करेंगे, प्रोफेशनल नहीं है। ढंग से कैसे होती है, पहले मुझे सिखा दो, मुझे आज तक प्रोफेशनल किसने सिखाएगी? आप अपना नाम कंफर्म करा सकते हैं? आपका नाम राजकुमारी है ना सर? है तो राजकुमारी यार जी। तो राजकुमार जी, मैं अंश बात करूं, क्रेड एप्लीकेशन के बिहाफ से ऑन रिकॉर्डेड लाइन। रिगार्डिंग हाँ जी, फिर क्या करना है आपकी क्रेड ईएमआई के रिगार्डिंग कॉल है सर। 2 EMIs जो है आपकी, 2 तारीख को ऑटो डेबिट फेल हो गया था आपका, 7066 और 6338। बताइए बस, क्या आपकी सहायता करूँ अपनी तरफ से, अपनी ओर से क्या करना? आपकी आवाज क्यों कट रही है, ऐसे क्या बात है आपकी आवाज कट रही है? जी मैं, आपकी आवाज क्यों कट रही है? आपको वॉइस अब क्लियर आ रही है सर? आवाज कट रही है आपकी। जी आप सुन पा रहे हैं सर आप सही से? हाँ बताइए, आप बताइए आवाज। हाँ जी, आपकी ईएम रिकॉर्डिंग कॉल है सर। EMI को बता दीजिए, आप EMI कब तक पे करेंगे सर? EMI कहाँ, EMI हम लेके कहाँ पे करते हैं, कितनी बार होता, हम नहीं करते। हम क्यों नहीं करते सर? हमारा यही चलता है, हम जितना भी पैसा ले लेते हैं देते नहीं है लेने के बाद। सर अभी तक तो आप पेमेंट कर रहे थे ना? नहीं अभी तक कर रहा था, अब नहीं करूँगा ना, क्योंकि लेने के बाद हम किसी का पैसा देते नहीं। क्यों नहीं करेंगे? हाँ जी, ये इंटेंशनली नहीं करेंगे, लेने के बाद नहीं देते यार हम, अभी तो। क्यों नहीं करेंगे सर? अगर नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर भी हैम्पर हो सकता है, एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग सकते हैं, चाहे बाहर आ जाए चाहे घर जाए, लेकिन पेमेंट नहीं करेंगे। सबसे अवेयर होंगे, क्यों नहीं करेंगे सर आप? अभी तो बताया इंटेंशनली नहीं करेंगे यार।
सर इंटेंशनली क्यों नहीं करेंगे आप? इंटेंशनली क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो है ना अपने तो मना करेंगे तो नहीं लिया था ना कि आपका मन करेगा तो आप पेमेंट देंगे। नहीं, सपने में आके मेरी सास ने मना कर दिया था कि लोन मत देना। अच्छा, फिर आपने लोन लिया क्यों था? सपने में आके जो है ना उस समय ससुर ने कहा था ले लो, तो ले लिया था, सास ने मना कर दिया। अब मेरी गलती क्या है? सास की गलती। देखिए, आपने लोन लिया है तो उसको पे तो आपको करना ही पड़ेगा ना। वैसे तो मैं वही समझा रहा हूँ, पे नहीं करूंगा। बाकी अब तुम चुप के जा रहे हो तो मैं क्या समझा, क्या बता सकता हूँ? सर, ये कोई रीजन नहीं होता ना कि आप इंटेंशनली पे नहीं करेंगे। तो रीजन क्या दो तुम बताओ अपने तरफ से, जो कहोगे वो रीजन दे। सर, आप कोई वैलिड रीजन बताइए, कोई जेन्युइन रीजन बताइए। जेन्युइन रीजन ये समझ लो, मुझे खाके बैठने की आदत हो गई है, मैं चोर हूँ, ठीक है? कि जेन्युइन रीजन सही रहे। सर, अभी तक तो आप ही करते आ रहे हैं ना, तो क्रेडिट स्कोर की वैल्यू। अरे अभी तक तो यार पता नहीं मैंने क्या क्या कर लिया, लेकिन अभी तक मैं जो कर रहा हूँ जरूरी थोड़ी आगे भी मैं वही करूँ। समझते नहीं हो तुम इस बात को, बस कॉल कर देते बात। ठीक है सर, मैं अपडेट कर देता हूँ, बट जो भी चार्जेस वगैरह लगेंगे सर आप उसके टोटली रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे, क्योंकि आप ऑटो डेबिट दो बार फेल हो चुका है, एक ईएमआई पे और एक ईएमआई पे एक बार फेल। और एक बात बताऊं, उसको जो ऑटो डेबिट फेल होने के आपको स्पेशल बात बताऊं, बताइए सर। ये जो है ना ऑटो डेबिट मैंने फेल करवाया, क्योंकि मैंने सारा पैसा निकाल दिया। ये ऑटो डेबिट मैंने फेल कराया, मैंने सारा पैसा निकाल दिया था, इसलिए फेल हो गया ऑटो डेबिट। ओके, ठीक है सर, मैं मेंशन कर देता हूँ आपको। थैंक यू सो मच सर, भाई सर। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।